गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज व्यंजन। टुडे आवर टॉपिक इज व्यंजन। बच्चे, लास्ट वीडियोस में हमने क से न तक किया था, न से नल तक। आज हम उसके आगे करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद प्लेज। आई किरणजीत कौर कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई क्लीग्स फ्रॉम COVID-19। आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड इनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। टू ऑलवेज वियर अ मास्क फेस कवर स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेस। टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स। टू वॉश माई हैंड फ्रीक्वेंटली एंड थॉरोली विद सोप एंड वाटर। टुगेदर वी विल विन दिस फाइट अगेंस्ट COVID-19। ओके बच्चे, अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ओपन योर बुक शब्द मंजरी, ओपन द पेज नंबर 11। हमारा टॉपिक है व्यंजन। बच्चे, ओपन द पेज नंबर 11। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। प से पतंग, प से पपीता। प से पतंग, पतंग मीन्स काइट ना। प से पपीता, पपीता क्या होता है, पपाया। फ से फल, फल आप सबको पता है, फ्रूट्स, टेस्टी टेस्टी ना। फ से फावड़ा, फावड़ा को क्या बोलते हैं, इसको पंजाबी में हम कही बोलते हैं ना, कही। ब से बकरी, ब से बत्तख। भ से भेड़, शीप। भ से भगत। म से मोर, म से मछली। बच्चे फिर से देखो, प से पतंग, प से पपीता। फ से फल, फ से फावड़ा। ब से बकरी, ब से बत्तख। भ से भेड़, भ से भगत। म से मोर, म से मछली। वंस अगेन बच्चे, आई एम गोइंग टू रिपीट, आपने मेरे पीछे बोलना है। प से पतंग, प से पपीता। फ से फल, फ से फावड़ा। ब से बकरी, ब से बत्तख। भ से भेड़, भ से भगत। म से मोर, म से मछली। बच्चे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे है। प कैसे लिखनी है आपने, पहले एक स्लीपिंग लाइन लगाओगे, फिर स्टैंडिंग लाइन लगानी है, फिर इधर से इसको ऐसे ज्वाइंट कर देना आपने। फिर से देखो, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इधर से इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। फ कैसे लिखते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इधर से ऐसे ज्वाइंट करना है और इसको ऐसे इधर लेके जाना है। फिर से देखो, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इसको इधर ऐसे ज्वाइन कर दो, फिर इसको ऐसे इधर लेके जाना है। फ, ब कैसे लिखते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और इधर एक ऐसे सर्कल सा बना दो, बस इसको जॉइंट कर दो और सेंटर में एक स्लैंटिंग लाइन लगानी है। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इधर एक सर्कल बनाना है, उसको ऐसे जॉइंट कर देना है और एक बीच में जो है इसके सेंटर में स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे। ब, भ कैसे लिखते हैं, ये पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगा लो, इधर स्लीपिंग लाइन लगा लो ऊपर, फिर इसको ऐसे राउंड कर दो, इसको फिर नीचे लेके जाना है स्टैंडिंग लाइन की शेप में ना, फिर इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए हम इधर से
ऐसे लेके जाएंगे स्लिपिंग लाइन की शेप में। फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर एक स्लिपिंग लाइन लगानी है, इसको ऐसे राउंड करना है और इसको नीचे लेके जाएंगे स्टैंडिंग लाइन की शेप में, और फिर इसको राउंड कर देना है और स्लिपिंग लाइन की शेप दे देनी है इसको ऐसे। भ से भगत, फिर आ गया मो। मो कैसे लिखते हैं? स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इधर एक स्टैंडिंग लाइन और इसको ऐसे राउंड कर देना और स्लिपिंग लाइन की शेप दे देनी है। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको ऐसे राउंड करते हुए स्लिपिंग लाइन की शेप दे देंगे। ये हो गया माँ। ओके बच्चे, अब हम एक राइम भी करेंगे। हमारी राइम है तोता। तोता भैया आना तुम, मीठे मेवे खाना तुम, सुंदर बोल सुनाना तुम, शाम पड़े उड़ जाना तुम। तोता, पैरट, हम सबको अच्छे लगते हैं ना, वी ऑल लाइक ना। सो तोता भैया आना तुम, मीठे मेवे खाना तुम, सुंदर बोल सुनाना तुम, शाम पड़े उड़ जाना तुम। पैरट को बुला रहे हैं बच्चों, कहते हैं हमारे घर आना, हम आपको मीठे मीठे चीज़ें खिलाएंगे, मीठे मेवे मीन्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो खिलाएंगे ना। तोता भैया आना तुम, मीठे मेवे खाना तुम, सुंदर बोल सुनाना तुम, शाम पड़े उड़ जाना तुम। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। तोता भैया आना तुम, मीठे मेवे खाना तुम, सुंदर बोल सुनाना तुम, शाम पड़े उड़ जाना तुम। बच्चे इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना इस टाइम को, और जो आपका ये असाइनमेंट है प से म तक, इसको अपने फेयर नोटबुक पे लिखना है अपने, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको लर्न भी करना है। ओके बच्चे, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, हैव अ नाइस डे।